ऊपर बनाई हुई है सोशल साइंस सब्जेक्ट पे, और आने वाले कई सेशन में मैंने वीडियो बनाई हुई है, बनाऊंगा भी आपके लिए ताकि आपका बढ़िया नंबर आए। और जो इस वीडियो में मैं टॉपिक और चैप्टर और सब्जेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ वो सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, चैप्टर डेवलपमेंट, और जो टॉपिक मैं बताने वाला हूँ वो है डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। है डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट है, कई सारे लोगों के द्वारा कई सारी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन ये जो मैंने कुछ शब्दों में बताया है ये ऑथेंटिक है, लिटरल डिफिनेशन है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लिखना ही पड़ेगा पूरे नंबर मिलेगा, तीन नंबर से क्वेश्चन आ सकता, और मैंने ऑलरेडी आपको 5 मिनट दे दिया इसमें, ठीक है। तो आप खाली इसको याद कर लीजिएगा, आपका पूरा काम बन जाएगा। तो ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव टर्म की ओवरऑल टर्म है, क्योंकि इन विषयों को यूज करते हैं, पर कैपिटा इनकम यूज करता है, लिविंग स्टैंडर्ड, पॉवर्टी, इलिटरेसी और क्राइम, इन सभी को अगर यूज करके आप एक चीज देखते हैं कि अगर ये चीज अच्छी चीजों का स्तर पे है, यानी लिटरेसी नहीं है, पॉवर्टी नहीं है, पर अगर बढ़िया है, क्राइम रेट बहुत कम, तो क्या है, वो डेवलप्ड कंट्री है। अभी अगला क्वेश्चन क्या है, टॉपिक क्या है, कि फीचर ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फीचर डेवलप बताइए। तो दो नंबर, एक नंबर क्वेश्चन आता है उससे ज्यादा आता है, इसलिए मैंने आपको दो पॉइंट बताया उसमें। लेकिन कभी भी अगर आपसे तीन नंबर क्वेश्चन पूछे तो आप 4-5 पॉइंट लिखिए, 5 नंबर पूछता है तो आप 6-7 पॉइंट लिखिए, 1 नंबर पूछता है तो आप 2 पॉइंट लिखिए। आप हमेशा मैक्सिमम पॉइंट्स रखा हुआ है ताकि आप कहीं पॉइंट कटें। अभी देखिए फीचर डेवलपमेंट क्या है, लेकिन उसमें दो ही बात होती है, हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग अपना एक विकास का एक समझ होता है जो कि दूसरे व्यक्ति के समझ से परे होता है। तो डिफरेंट पर्सन है डिफरेंट वो, तो बात बिल्कुल क्लियर है कि हर लोग के अलग अलग अपने विकास के नजरिया होते हैं। मेन मुद्दा इसमें देखिए क्या होता है, जो प्रमुख जो चीज़ देखी जाती है वो है इनकम, किसी भी देश का इनकम का स्तर क्या है वो चीज़ में। देखिए अभी श्रीलंका का मामला नहीं गड़बड़ हो गया, क्यों, क्योंकि श्रीलंका में जो इनकम का स्रोत था टूरिज्म और प्रोडक्शन, वॉट इन प्रोडक्शन और इन एग्रीकल्चर, तो वो दोनों ही फ्लॉप हो गए, तो इनकम खत्म हो गया, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे, और टूरिज्म का मुद्दा था, लॉकडाउन में टूरिज्म खत्म हो गया, और वो कहाँ चले गए थे, अब वो चले गए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में, उसमें मैनुअल हाथ से खेती की जाती थी वहाँ पर, नहीं देखिए। तो अभी देखिए क्या है, इनकम बहुत मेन कंटेंट है इसमें, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। मैंने एग्जांपल दे दिया, देखिए वो करंट एग्जांपल दिया मैंने आपको, देखिए ये चैप्टर में जितने ब्लैक कलर के सेंटेंस दिए हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसी में क्वेश्चन आगे आपको समझाता रहूँगा। तो देखिए आपको समझ में आ गया है, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट क्या है, मैं जानता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं इस चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप शेयर और सब्सक्राइब भी करा रहे हैं, इसके लिए सब धन्यवाद है मेरी पूरी टीम की तरफ से, और मैं आशा करता हूँ कि आगे भी आप लोग ऐसा सहयोग बनाए रखेंगे।